हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने केरल में जो बाढ़ आई हुई है उनके लिए जो फंड डोनेशन का एक कैंप चल रहा है उसमें फंड डोनेट करने से के लिए एक रिक्वेस्ट की थी मैंने सभी लोगों से इस एक वीडियो के थ्रू कि जो भी कोई वीडियो देख रहा हो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर ना करें और प्लीज़ उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करें जिससे कि केरल की बेहतर से बेहतर मदद हो सके। तो लेकिन मैंने ये देखा कि अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी अभी तक डोनेट नहीं किया है, उन्होंने भी उसको इग्नोर कर दिया है। तो देखिए, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, केरल भी हमारा ही राज्य है। इनफैक्ट हमें तो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी देश में कहीं दिक्कत हो तो अपने से जितना मदद हो सकती है वो करनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं, सभी जगह इंसान ही रहते हैं और इंसानियत तो हर जगह एक जैसी होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ कोई भी चीज़ इग्नोर ना करें और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कहीं आप सोच रहे हों कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ मतलब क्यों इन चीज़ों में पड़े, क्या करना है डोनेट करके। देखिए, 100-200 की बात है, कोई इतने बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं है। आदमी से जितना हो रहा है वो उतना कर रहा है। कोई किसी के लिए इतनी, आप देख रहे होंगे इतने वीडियोस आ रही है, इतना कुछ भी जो भी आ रहा हो उसमें ये तो नहीं है कि आप इतना अमाउंट डोनेट करिए। जो आपसे हो सकता है वो डोनेट करिए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिचकिचा रहे होंगे डोनेट करने में और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इग्नोर कर रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। ये इग्नोर करने वाला मैटर नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं, सभी लोग इतने समझदार हैं। और तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी और जितना भी हो सकता है उतना डोनेट कीजिए और लोगों को इसके बारे में इंस्पायर कीजिए कि वो भी डोनेट करें। जितने ज़्यादा लोग डोनेट करेंगे उतने बेहतर मदद हो पाएगी। आपको शायद पता ना हो कि एक तमिलनाडु की एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की, और उस बच्ची के वो बच्ची बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। इवन उसके फादर की डेथ भी हो चुकी है, तो घर में सिर्फ माँ है कमाने वाली। और उस बच्ची के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन है 2018 नवंबर में। तो उसने कहीं से 20,000 रुपये का बंदोबस्त किया था। अभी 2.5 लाख ऑपरेशन में लगने हैं, जिसमें से अभी कि आपको पता 2-30 बाकी ही हैं। तो जब उसको ऐसे पता चला कि ऐसी दिक्कत है केरल में, तो उसने अपने उन 20,000 में से 5,000 रुपये डोनेट किए हैं। आप समझ सकते हो कि एक गरीब फैमिली जहाँ पे खुद ही पैसों की इतनी दिक्कत है, मैं नहीं जानता कि कौन जो वीडियो देख रहे हैं वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो वीडियो देख रहा है जो स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है वो 100-200 रुपए पे ना कर पाए, डोनेट ना कर पाए। तो सभी से मेरी ये बार बार निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है केरल के लिए, और प्लीज़ उस दर्द को महसूस करें जो उस बच्ची ने महसूस किया। 12 साल की जो बच्ची महसूस कर सकती है उस दर्द को, तो आप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ जितना हो सकता है उतना डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी डोनेट करें। तो बस मेरी इस वीडियो में इतनी है। मैं एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, हो सकता था कि बहुत से लोग कुछ सोच के इसको इग्नोर कर रहे हों, तो प्लीज़ ये इग्नोर करने वाला मैटर नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और आगे बढ़ के मदद करें। मेरी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए शेयर ज़रूर करना क्यों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। एक वीडियो आएगी छोटी सी जिसमें कि न्यूज़ की वीडियो है जो केरल में बाढ़ आई थी, तो उसमें आप ज़रा उस वीडियो को देखिए। अगर किसी ने नहीं देखा हो न्यूज़ में कि केरल में बाढ़ की क्या हालत है, तो एक बार ज़रा उस वीडियो को देखिए। छोटी सी वीडियो है, तो प्लीज़ उसको देखना कि और महसूस करना ज़रा कि केरल में किस तरह से हालत हो रखी है। केरल के एलएफपी से संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देख लीजिए। केरल में बाढ़ पीड़ित लोगों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अपनी जिंदगी को दोबारा फिर से शुरू करना, और इसके लिए जाहिर तौर पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे यही लगता है कि ये एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। हम इस वक्त केरल के कुटनाड़ इलाके में इस घर पर नाव के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये घर है
राजीव का, और ये नाव लेकर यहाँ पर आए हैं। 3 दिन पहले ये यहाँ से, जब ज्यादा बारिश हो रही थी, घर में पानी भरने लगा था, तो छोड़कर चले गए थे, और अब ये वापस यहाँ पर पहुंचे हैं। आप इधर वापस अब क्यों आए हैं 3 दिन के बाद में? सामान कुछ देखने के लिए आया, आइडेंटिटी कार्ड सबको, अंतर है आधार, सबको पानी का अंतर है, वो खेत वो करखा सब डॉक्यूमेंट्स है अंदर। आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारा फैमिली पूरा उधर ही है, वाइफ है, चिल्ड्रंस है, पूरा कैंप में गया, कैंप में वो सबको निकाल के लेकर गए हैं। अभी अंदर कुछ आपको मिला क्या घर के अंदर? घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, वो टीवी सब वो पूरा पानी में गया। अब देखिए घर के अंदर की हालत देखिए, किस तरह से घर का सारा सामान जो है पानी में तैर रहा है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सबका नुकसान यहाँ पर हो गया है। जैसी हालत यहाँ राजीव के इस घर की देख रहे हैं, ठीक इसी तरह की हालत जो है इस इलाके में रहने वाले कई लोगों की है, जिनके घर का सारा सामान चला गया। तो देखा आपने पाई पाई जोड़कर बनाए गए आशियाने किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। केरल के कुट्टनाड इलाके से संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की एक और रिपोर्ट देखिए। यहाँ एक मशहूर रिसॉर्ट पूरी तरह पानी में डूब गया है। हालांकि केरल में बारिश थम गई है, लेकिन अब भी राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। हम भी ऐसे ही एक नाव के जरिए अब पहुंचे हैं केरल के कुट्टनाड इलाके में, जो कि बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये एक 7 सितारा रिसोर्ट है, टूरिस्ट रिसोर्ट, जिसका नाम है लेक पैलेस रिसोर्ट। थॉमस चैंडी जो कि केरला के मंत्री थे, वे इस रिसोर्ट के मालिक हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे रिसोर्ट के भीतर पानी चला गया है। और कम से कम जितना नजर आ रहा है कि 5 से 6 फुट ऊंचाई तक जो निचली मंजिल के कमरे हैं उनके भीतर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी गया है, भारी बारिश का पानी। इसके अलावा जो डैम्स के दरवाजे खोले गए थे उसकी वजह से जो पानी आया था उसने यहाँ पर किस तरह की तबाही मचाई है। ये कुट्टनाड इलाका है, केरल का एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर साल बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ पर आते हैं, और जब से बारिश शुरू हुई है कुछ सैलानी भी यहाँ पर फंस गए थे ऐसा बताया जाता है, जिन्हें की नावों के जरिए यहाँ से रेस्क्यू किया गया, उन्हें यहाँ से निकाला गया। केरला में आई त्रासदी की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त हम इडुकी के रास्ते में हैं, और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन देखी गई है, वहीं इस वक्त हम कोची के रास्ते से इडुकी की ओर है। इडुकी यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले हम इडुकी इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोड का जो रास्ता है वो पूरी तरह से भूस्खलन के कारण धंस चुका है। जो ये मेन रोड है जो कि इडुकी को कनेक्ट करता है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोड है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के कारण धंस चुका है। भारी से भारी बारिश जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों से यहाँ पर देखी गई है, उसके बाद जगह जगह पर भूस्खलन देखा गया है, और यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर भूस्खलन के कारण जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। ये वो रास्ता है जो कि इडुकी को कनेक्ट करता है, यहीं से सारे रिलीफ मटेरियल्स जो व्हीकल्स हैं वो पहुँचते हैं, लेकिन व्हीकल्स वहीं पर स्टक हो चुके हैं। किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करती, केरल में बाढ़ से क्या चर्च क्या मंदिर सब डूबे हुए हैं। देखिए संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। पर्यटकों के लिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी कि भगवान के देश के तौर पर प्रचारित किया जाता था, लेकिन कुदरत के कहर ने गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान के इस देश को भी नहीं छोड़ा है। मैं इस वक्त कुट्टनाड इलाके में हूँ, और आप सामने देख सकते हैं ये सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और जो भारी बारिश 10 दिनों तक केरल में लगातार हुई तो उसने यहाँ पर क्या हाल किया है ये नजर आ रहा है। किस तरह से कई फुट ऊंचाई तक चर्च के अंदर आप देख सकते हैं पानी चला गया है, और ये चर्च में ना प्रार्थना हो रही है और ना ही यहाँ प्रार्थना करने वाले आ पा रहे हैं। इंसान भले ही धर्मों में फर्क करता हो, लेकिन कुदरत ने जब कहर बरपाना शुरू किया तो फिर उसने धर्म नहीं देखा। हम इस वक्त केरल के कुट्टनाड में हैं, जो कि एक बड़ा इलाका है बाढ़ से प्रभावित हुआ।
कुछ दूरी पर यहाँ से हमने देखा था कि एक चर्च में पानी भर गया है और अब हम देख रहे हैं कि ये एक हिंदू मंदिर है, भगवती मंदिर है कुटनाड़ का, यहाँ पर भी किस तरह से पानी दाखिल हो चुका है। एर्नाकुलम में बाढ़ से बर्बाद हुए एक मंदिर पहुंचने पर संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने बाढ़ के बाद हो रही नई परेशानी देखी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जहरीले सांप भी निकल रहे हैं। देखिए पिंकी की ये रिपोर्ट। मुवाटीपुड़ा के मां भगवती मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और केरला जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं यानी भगवान का घर, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने भगवान तक को नहीं बख्शा, धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से जो सामान है पूरा, जो मंदिरों की जो चीजें हैं वो बाढ़ के कारण किस तरह से सब कुछ डैमेज हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, भले ही अब फिलहाल राहत मिल गई हो केरला को, बारिश और बाढ़ का पानी जो है वो निकल चुका हो, लेकिन मिट्टी आप देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरह से पीछे छोड़ गया, जिन्हें अब साफ करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती इस तरह की ये सांप आप देख रहे हैं, ये जो सांप है ये जगह जगह पर ऐसे ही जो है देखने को मिल रहे हैं। जब लोग सफाई कर रहे हैं तो सफाई करने के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर इस तरह के जो सांप है वो जगह जगह पर देखे जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिस्क हो सकते हैं क्योंकि जहरीले कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं सफाई करते वक्त। तो अब पूरी तरह से मुसीबत जो है वो टलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की भारी संख्या में मिट्टी ये बाढ़ घरों में, मंदिरों में, जगह जगह पर छोड़ गई है, उसे पूरी तरह से साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन है वेंकटेशन के साथ पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज़।